क्वेश्चन नंबर 11, वाई बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टेन थीटा रख लेते हैं, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो वाई बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला। कोस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोस टू थीटा लिख दिया। अब कोस से कोस हट गया, आया आपका 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स। अब यदि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो 2 और इसका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे हम, और यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी क्योंकि हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। तो वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका ये साइन इनवर्स, ये आपको कोस टू थीटा बन गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स कोस टू थीटा को साइन 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कर दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब देखिए साइन से साइन हट गया, आपका बना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। वाई बराबर पाई बाय 2 2 थीटा की वैल्यू तो 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। जब आप इसका डी पाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आप देखते हो ये तो एक पूर्णांक है, अचर पद है, यानी कि इसमें एक्स है नहीं, तो 0 हो गया इसका, और इसका ये -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई बराबर कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी टेन थीटा फिल करेंगे, तो वाई बराबर, इस बार हमने नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वाई बराबर कोस इनवर्स यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो वाई बराबर कोस इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें भी ऐसे करने वाले हैं, कोस इनवर्स इसको हम लिख देते हैं कोस 90 माइनस थीटा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कोई आपके डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो कोस से कोस हट गया, आपका बना पाई बाय 2 माइनस के 2 थीटा। जब आप इसका डी वाई, अच्छा इसके बाद आप पाई बाय 2 थीटा की वैल्यू आप टेन इनवर्स एक्स लिख दोगे, तो इसका भी आंसर वही आएगा जो इससे पहले वाले का आया था, -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पता है ना, वो अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप एक्स की जगह साइन थीटा रख लीजिए, और यहाँ से थीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो वाई बराबर साइन इनवर्स, ये आपका एक्स की जगह साइन थीटा रखा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर थीटा का कोस बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं ये साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। अब फिर से वही बात, साइन से साइन हट गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का तो आपको अवकलन पता ही होगा, ये 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, वाई बराबर सेक इनवर्स
वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ एक्स है हम रखने वाले हैं कोस थीटा। तो बार बार आप लोग करोगे तो आपको याद ही रह जाएगा कि यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं। तो वाई बराबर सेक इनवर्स वन अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसके बाद आप देखिए सेक इनवर्स ब्रैकेट वन अपॉन, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपको पता है जो कोस ऊपर जाकर सेक हो जाएगा, सेक टू थीटा, तो सेक से सेक हट गया, वाई बराबर टू थीटा, ये थीटा की वैल्यू आपने वापस रख दी, कोस इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के दो बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। थैंक यू।